बेलघाट थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी देने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बेलघाट थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान प्रेमनाथ पुत्र राम जियावन निषाद निवासी ग्राम पुछीहवा टोला नटुआ ज्ञानपार थाना जगह जनपद गोरखपुर, दूसरा राजकुमार निषाद पुत्र रामदेव निषाद निवासी गण ग्राम पुछीहवा चोला नटुआ ज्ञानपार थाना जगह जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि गैंग लीडर प्रेमनाथ अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन धोखाधड़ी द्वारा आपराधिक न्यास भंग और जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध करता है। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र झंगहा के दो अपराधी राजकुमार और प्रेमनाथ, जो लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर के धन उगाही करते थे, इनको गिरफ्तार करने में बेलघाट पुलिस को सफलता मिली थी और छानबीन में पाया गया कि एक संगठित गिरोह है जो लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी करके धनोपार्जन करता है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत गैंग चार्ट अनुमोदित कराया गया और अभियोग पंजीकृत करके इनके विरुद्ध आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा और अपराध से अर्जित संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराई जाएगी।